गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंटिफिक कंटेंट है, ये आपको मदद करेगा। आज मैं बात करूंगा कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस को दोबारा पलटने से आप कैसे रोक सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस तरह की प्रॉब्लम है जो कॉमन है, इन उसमें बार बार फ्लेयर होते हैं, तो फ्लेयर होने को या पलटने को कैसे रोका जाए उसके बारे में बात करूंगा मैं। जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि यह कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो आपको जिंदगी भर चल सकती है, और जिंदगी भर चल सकती है तो बार बार उसके पलटने का डर भी रहता है। अगर पलटने का डर है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि यह पलटे ना, या अटैक जो ना दोबारा ना आए या फ्लेयर ना हो। देखिए, ऐसा कोई गारंटीड प्रोटेक्शन नहीं है जो ये कहे कि सिम्टम्स दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप कुछ अगर चेंजेस करेंगे तो जो रिटर्न होते हैं सिम्टम्स या फ्लेयर होते हैं या जो अटैक दोबारा आ जाता है उसके आने की संभावना कम होगी। नाउ जो फ्लेयर अप की हम बात करते हैं या जो पलटना है उसे किसे कहते हैं। देखिए, जब आप दवाइयां लेते हैं तो जो डिजीज है वो रेमिशन में चली जाती है। रेमिशन का मतलब है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, एकदम बिल्कुल सिम्टम लेस आप हो गए हैं, या आपको सिम्टम्स है तो वो ना के बराबर हैं, इसे रेमिशन माना जाता है। और जब आप रेमिशन में होते हैं तो ये बीमारी कभी कभी ऐसा पलट जाती है, जो पलट जाती है उसे कहते हैं फ्लेयर। ये जो फ्लेयर है इसको कैसे रोका जाए। जब भी बीमारी पलटेगी या अल्सरेटिव कोलाइटिस जब भी उभर के सामने आएगी दोबारा, तो होगा क्या, लूज मोशंस होंगे या डायरिया कहलाता है, बहुत थकान आपको महसूस होगी क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन के फीचर्स आ जाते हैं, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, बुखार आने लगेगा और आपकी जो लैट्रिन है उसमें ब्लड दिखाई देने लगेगा, भूख आपकी गायब हो जाएगी। ये वास्तव में फ्लेयर अप के चलते होता है। नाउ अगर आपको फ्लेयर अप या इस बीमारी को पलटने से रोकना है तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आप दोबारा इसके अटैक से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा अटैक उभर कर ना आए, तो इन स्टेप्स को ध्यान से देखिए। नंबर वन, आप अपने डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको बिल्कुल ठीक से फॉलो करिए। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो क्रॉनिक डिजीज है, ये जो डिजीज है आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। ये बात सही है कि इस बीमारी में आपकी खुद की बॉडी का जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, मिसडायरेक्ट हो जाता है, एंड आपकी ही जो इंटेस्टिन की लाइनिंग है उसको अटैक करने लगता है, उसको डैमेज कर देता है। और चूंकि उसको अटैक करता है, डैमेज करता है, तो वो इन्फ्लेम हो जाती है, छोटे छोटे छाले उतर जाते हैं, इरिटेशन होता है, और उसके चलते सभी सिम्टम्स आते हैं, ऐंठन होगी, मरोड़ा होगा, लूज मोशन होगा, ब्लड आने लगेगा। ये सभी सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का सिस्टम आप ही की लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करके इसकी आंत की जो अंदरूनी सतह है उसको डैमेज करता है। नाउ जो भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं उसका सिर्फ पर्पज यह है कि इन्फ्लेमेशन किसी तरह खत्म हो जाए तो छाले सूखें एंड जो डायरिया एंड ब्लड है वो बंद हो जाए। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉनिक डिजीज है, ये जड़ से कभी खत्म नहीं होती है। जो मेडिसिंस आप यूज करते हैं उनका काम है कि आपकी इम्यूनिटी को सिस्टम को मॉडिफाई करें सो दैट वो आपकी जो इंटेस्टिन है उसको अटैक ना करे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप दवाई खाएं। अगर आप दवा नहीं खाएंगे या दवाई बीच बीच में छोड़ छोड़ के खाएंगे तो यह बिल्कुल इनविटेशन कार्ड है कि अटैक आपको बार बार पलट पलट के आएगा। इसलिए आप जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको ईमानदारी से स्टिक करिए, इवन इफ कि आपके सिम्टम सब ठीक हो गए हैं। तो यह बहुत लोगों का कंसेप्ट है कि अब तो मेरी तबियत बिल्कुल ठीक है तो मैं तो दवाई बंद कर देता हूं। अगर आपके सिम्टम सब ठीक हो गए हैं तो भी आपको दवाई लेने की जरूरत है जैसा आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। कभी लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि आप दवा खाते चले जाते हैं उसके बावजूद जो सिम्टम्स हैं वो दोबारा आ जाते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस दोबारा उभर जाती है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। आपकी जो मेडिसिन है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डोज के एडजस्ट होने की जरूरत हो, आपकी जो दवाइयां हैं उनका शेड्यूल चेंज होने की जरूरत हो। कभी कभार ऐसा होता है कि अटैक कंट्रोल नहीं होते हैं तो जो दवाई है वो चेंज होने की जरूरत होती है, इन डिफरेंट मेडिसिन पे जाना पड़ता है डॉक्टर को। नाउ नंबर टू इज कि आपको पेन किलर्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की जरूरत है। जब हम पेन किलर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं NSAID की। जो NSAID है शॉर्ट फॉर्म है फॉर नॉन स्टेरॉइड
स्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये उस तरह की दवाइयां हैं जो आपको मेडिकल स्टोर में ओटीसी पर भी अवेलेबल होती हैं या मेडिकल स्टोर पर जाएं तो आपको आसानी से मिल जाती हैं। एस्पिरिन इस कैटेगरी में आती है, आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन इस कैटेगरी में आती है, नेप्रोक्सॉन इस कैटेगरी में आता है, ये कॉमनली आप जो डाइक्लोफेनेक, वोवेरॉन जो इस तरह की दवाइयां लेते हैं ये उसी कैटेगरी में आती हैं जो आप दर्द के लिए यूज करते हैं या किसी भी तरह की स्वेलिंग के लिए यूज करते हैं। ये बात सही है कि जो एनएसएआईडीज हैं ये इन्फ्लेमेशन कम करती हैं और ये हीलिंग को प्रमोट करती हैं। तो अगर ऐसा है तो आपका कॉमन सेंस कहेगा कि अगर इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, हीलिंग को प्रमोट करती हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मदद करेंगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। रिसर्च ऐसा इंडिकेट करती है कि अगर आप एनएसएआईडी या इस तरह की दवाइयां यूज करते हैं रेगुलरली तो आपकी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो बार बार उभर उभर के आएगी। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2017 जो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के पेशेंट्स पर की गई थी, एंड स्टडी ने कहा कि वो लोग जो महीने में 5 बार या उससे ज्यादा इस तरह के पेन किलर यूज करते थे उनको 65% ज्यादा चांसेस थे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस दोबारा उभर जाएगी। तो इसलिए जो पेन किलर्स हैं इस श्रेणी के इनको बचाने की जरूरत है। उसी स्टडी ने यह भी कहा कि ऑल दोस पेशेंट जो एसिटामिनोफेन जैसी दवा लेते थे उनमें भी ज्यादा इंसिडेंस था कि यह बीमारी पलट जाएगी। अगर हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की रिकमेंडेशन को देखें तो वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि जहां तक क्रॉन्स डिजीज या आईबीडी का सवाल है, जो पेन किलर्स या एनएसएआईडी हैं जो मैंने आपके सामने रखे, चाहे वो एस्पिरिन हो, चाहे ब्रूफेन हो, चाहे वोवेरॉन हो, चाहे नेप्रोक्सॉन, इस ग्रुप की जो दवाइयां हैं वो स्ट्रिक्टली मना है और उन्हें आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं दर्द है, आपको ज्वाइंट में दर्द हो रहा है या कोई ऐसा पेन है जिसके लिए पेन किलर की जरूरत है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। मेडिकल स्टोर से जाकर कोई भी एनएसएआईडी इस्तेमाल मत करिए। तो जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, ये कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। वास्तव में ये होती इसलिए है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का सिस्टम डिसऑर्डर्ड हो जाता है तो आपकी जो इम्यूनिटी का सिस्टम है आप ही की लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करने लगता है और ये चूंकि बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती तो इसके बार बार उभरने का डर रहता है। तो अगर बार बार उभरने का डर है तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा ताकि ये बार बार उभरे ना। नंबर वन, आपको अपने डॉक्टर्स का जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको केयरफुली बिल्कुल अक्षरशः पालन करने की जरूरत है। अगर आपके सब सिम्टम्स खत्म हो गए तो भी जो आपके डॉक्टर ने कहा उनको फॉलो करिए। एंड पेन किलर अगर आपको लेने की आदत है तो पेन किलर से लाखों मील दूर रहिए अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो नहीं तो ये बीमारी आपको बार बार पलट कर आएगी। अगर इस एंगल को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, आगे हम बात करेंगे बाकी उन कारणों से या बाकी उन चीजों पर जो अटैक के पलटने को रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।